हेलो गाइस, मेरा नाम है ऑनेस्ट पांडा और आज हम लोग सीखेंगे ईयर ट्रेनिंग के बारे में। म्यूज़िक सब कानों के ऊपर डिपेंड है, सो अच्छा नहीं रहेगा अगर हम लोग एक एक्सरसाइज करें कान को डेवलप करने के लिए। हमेशा ट्राई करिएगा सिंग करने के लिए, कभी भी आप ट्यून या आप एक कॉर्ड बजा रहे हो तो। बहुत लोग को नहीं समझ में आता है कि कितना इफ़ेक्टिव और महत्वपूर्ण है ये ईयर ट्रेनिंग, एंड उन लोग को लेटर ऑन एज अ म्यूजिशियन जब उन लोग प्रोग्रेस होते हैं तब उन लोग को पता चलता है कि ऐसे कानों को अच्छे से डेवलप करना चाहिए था। इंटरनेट पे बहुत ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सॉन्ग्स। अगर कभी भी मुझे एक रुपया मिलता जब मैं एक रॉन्ग टैप फाइंड आउट करता तो अब तक मैं ईयर ट्रेनिंग एक्चुअली एक लाइफ टाइम स्टडी है। जनरल आइडिया ईयर ट्रेनिंग का है, जो आप इधर दिमाग में सोच सकते हो वो आपके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आ जाता है। अपने आइडियाज एक्सप्रेस होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के जरिए। एक्सपेरिमेंट करना, ट्राई करना, एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक मेलोडी था, ये मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि ये लास्ट स्ट्रिंग पे प्ले होता है जो है हमारा ई स्ट्रिंग। आप गेस कर लेना कि ये मैंने कैसे प्ले किया। चीटिंग मत करना टैब्स देख के। अगर कुछ साउंड अच्छा करता है तो वो अच्छा है, तो हमेशा अपने कानों को ट्रस्ट करिएगा। जितना आप ईयर ट्रेनिंग करोगे उतने आप बेहतर हो जाओगे। बहुत लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, पर मेरा ओपिनियन है कि ईयर ट्रेनिंग सबसे बेनिफिशियल टेक्निक है गिटार में स्किल को छोड़ के। ये क्या बोला? और अगर आप ईयर ट्रेनिंग के साथ गिटार थियोरी या फिर म्यूजिक थियोरी ऐड करोगे तो एकदम एक बेटर म्यूजिशियन और एक बेटर गिटारिस्ट बनाएगा। कन्फर्म सिर्फ गिटार पे ही नहीं होता है, अगर आप कौन से दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई करते हो तो हमेशा ईयर ट्रेनिंग एक बेनिफिशियल चीज़ है जो आप बिगिनर कोर्स से स्टार्ट करेंगे लर्न करने के लिए। आते जाते याद रखना कि खुद के ऊपर हंसना सीखो।